या केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है, इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टुकी हुई है। आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। हम नजरें छुपाकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए हैं जो कहा यह परमानेंट है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। 10 साल के बाद यह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है, इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टुकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है बिना किसी पक्षपात के यह चुनाव हुआ है और यह पूरे ही भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने इसे देखा है और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए एक ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तोबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वह आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वह पीडीपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं और मेरा यह मानना है सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है। बहनों भाइयों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहना चाहता हूं, हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम नजरें छुपाकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने लोगों को तबाह कर दिया धारा 370 ने, यहां पर आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे गए। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं, क्या यह कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाए? यहां पर रोज सैकड़ों लोगों की जाने जाए। बहनों भाइयों, कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। हिंदू मुसलमान को बांटा इन्होंने। बहनों भाइयों, यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं, यह भारतीय जनता पार्टी मानती है। हिंदू और मुस्लिम में तफरका पैदा करने का काम भारत की राजनीति में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए।